दोस्तों, आज आप सभी झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए आज एक महत्वपूर्ण अपडेट भी है जो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से अच्छे ढंग से बताऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव रहे तो लाइक और शेयर करते हुए इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि मैं आपको हमेशा के लिए हेल्प कर सकूँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके लिए जो आज का महत्वपूर्ण अपडेट है उसे देखें। तो यह अपडेट आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में जमशेदपुर एडिशन में प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 24,000 मैट्रिक के छात्र वहीं पर 18,000 इंटरमीडिएट के छात्र बोर्ड एग्जाम 2022 लिखेंगे। ये अपडेट जमशेदपुर से प्रकाशित हुआ है, यानी कि यह जो न्यूज है जमशेदपुर से विशेष तौर पर रिलेटेड है, लेकिन झारखंड के जितने भी 24 जिलों के छात्र हैं आप लोग मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत क्लास 8, 9, 11 के, तो आप सभी छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम 2022 का लिया जाना है उसके लिए जिला प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। दोस्तों, आप सबों का जो एग्जाम लिया जाना है, जो कल के अपडेट में हम लोगों ने देखा है कि आपका एग्जाम अप्रैल में 75% सिलेबस के आधार पर होम सेंटर पर लिया जा सकता है और इसको लेकर के गाइडलाइन इसी सप्ताह में या फिर 8-10 दिनों के बीच में झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। तो उस गाइडलाइन को आने के बाद आपका जब भी एग्जाम लिया जाए तो उसको अच्छे ढंग से कंडक्ट किया जाए, इसको लेकर के आपके जिले के जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों, जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है, चाहे वह मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो, 8, 9, 11 का हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो आंसर का जो बुक है, यानी कि प्रश्न पत्र है या फिर उत्तर पुस्तिका है या फिर ओएमआर सीट है, तो वो झारखंड एकेडमी काउंसिल से सीधे जिले में आता है और जिले में आने के बाद आपके स्कूल के बगल के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसे सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, तो इस तरह के बैंकों में उसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि वह लीक नहीं हो, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसके बाद जिस दिन आपका एग्जाम होता है, रूटीन के अनुसार जिस दिन आपका एग्जाम होता है, उस दिन आपके एग्जाम से ठीक आधा घंटा के पहले उस प्रश्न पत्र को आपके प्रखंड के जो बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं या फिर बीओ होते हैं, वे पुलिस प्रशासन के सुरक्षा में उसको अपने परीक्षा केंद्र में लाते हैं और वहां पर आपके एग्जाम को शुरू होने से पहले लगभग 15 मिनट पहले वो आपको देते हैं। और अगर आपका ओएमआर सीट पर एग्जाम हो तो ओएमआर सीट आपको आधा घंटा पहले, और आपका अगर एग्जाम शुरू हो रहा है तो प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन वो 15 मिनट के पहले आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए। और उस एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद जिला प्रशासन है या फिर आपका जो प्रखंड का प्रशासन है उसके द्वारा उत्तर पुस्तिका को फिर से जिले के वज्रगृह उसको कहा जाता है, जहां पर आपके प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है परीक्षा लेने के बाद, और फिर से जो उत्तर पुस्तिकाएं होती है या फिर ओएमआर सीट होता है तो उसे झारखंड एकेडमी काउंसिल को कुछ दिनों के बाद पूरे सुरक्षा के बीच में ट्रक में या फिर कोई अच्छे वैन में पहुंचाया जाता है, और वहां पहुंचाने के बाद आपके उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा जाता है और इसके बाद आपका रिजल्ट को जारी किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज इस वीडियो में समझ लिया है कि जिला प्रशासन या फिर शिक्षा विभाग का आपके परीक्षा को कंडक्ट करने में क्या भूमिका है, या फिर आपके प्रश्न पत्र या फिर अन्य तरह के जो गतिविधियां हैं परीक्षा को लेकर के उसका संचालन किस ढंग से किया जाता है। दोस्तों, मैं अपने विद्यालय का सीएस भी रह चुका हूं, सेंटर सुपरिटेंडेंट यानी कि परीक्षा केंद्र का हेड भी रह चुका हूं, इसीलिए इन सारे बातों को जानता हूं और आप सभी छात्रों को पहुंचाता हूं। इसीलिए जितने भी अच्छे अच्छे जानकारियां हैं वो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अपडेट के साथ साथ उसे भी पहुंचाने का कोशिश करता हूं। इसीलिए आप सभी जितने भी छात्र हैं जो इन सारे चीजों को नहीं जान पा रहे हैं, अभी नए नए हैं, तो आप लोग हमारे साथ इस YouTube चैनल पर हमेशा बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी इस YouTube चैनल के बारे में बताइएगा कि उसमें अच्छा से अच्छा जानकारियां दी जाती है,
तो वे लोग भी इन सारे वीडियो को देखें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, और जब भी आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आप सभी छात्रों को ठीक किसी तरह से सभी काम छोड़ करके अपडेट हो या फिर स्टडी मटेरियल हो या फिर अन्य तरह के कोई भी जानकारियां हो तो आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, इस तरह से आज आप सभी छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण और अपडेट थे, तो इसीलिए आप सभी छात्रों से फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और एक बार फिर से आप सबों को देश के 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।